है तो बहुत अच्छा। यहाँ पर आपको, अबे गाड़ी ट्रक्स वगैरह गिर रहे हैं भाई, भाई ये क्या होगा इसके साथ, देखते हैं। इसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है हम कर लेते हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राजविराज पुरोहित और आज हम आ चुके हैं बस सिमुलेटर इंडोनेशिया में फिर से एक बार। और इस बार बस सिमुलेटर इंडोनेशिया में हम जाने वाले हैं अपने टाटा ट्रक्स के साथ। तो पीछे यार यहाँ पर भाई भीड़ काफ़ी लगी हुई है, हम जाने वाले पीछे की साइड आज। देखो यार, आज हमारा जो है ये ट्रक मोड है नया, जो 18,000 सब्सक्राइबर के बाद आएगा, कुछ इस तरीके का इसका आगे का लुक है जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पीछे की साइड कुछ ऐसा आपको देखने मिलता है, यहाँ पर नो एनिमेशन की। ये एक चीज़ है जो एक माइनस पॉइंट है, जिनको एनिमेशन की ज़्यादा पसंद है उनके लिए ये थोड़ी बुरी चीज़ है। बट आई होप फ्यूचर अपग्रेडेशन में इसमें कुछ चीज़ें अपग्रेड हो जाए। अब बात करें यहाँ पर इंटीरियर की, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। अब हम लेते हैं थोड़ा रिवर्स, बिकॉज हम भूल गए यार। ओए होए, इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। डीपर की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको डीपर वगैरह देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आज हम इस साइड चलते हैं। ओए होए, एकदम रियलिस्टिक आपको जो है फील यहाँ पर आएगा जब आप ये टाटा ट्रक ड्राइव करेंगे। ऑनेस्टली इंटीरियर थोड़ा जो है, सीट अगर ऊपर होता तो थोड़ा और मज़ा आता, लेकिन ठीक है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा कैमरा देखने को मिलता है जहाँ पर आप मैप व्यू कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो है इंटीरियर में देखा जाए तो साइड मिरर्स वगैरह देखने को मिलता है, जो नॉर्मल चीज़ है, जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। और भाई पीछे से कितना, अब भाई यार ठोके जा रहा है ये तो। ओए ओए भाई, पी के चला रहा लगता है ये तो, पी के है क्या? ओके देखो यार, सस्ते नशे ऐसे होते हैं, क्या ही बताए। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो फिर हम ये रूट चूज़ करें या फिर ये लंबा रास्ता जहाँ पर आपको एक नॉर्मल लकड़ी वाला ब्रिज देखने मिलता है, तो हम यही चूज़ करते हैं। थोड़ा टफ पड़ेगा लेकिन मज़ा बहुत आएगा। यहाँ पर ये मोड जो है तो बहुत अच्छा। यहाँ पर आपको, अबे गाड़ी ट्रक्स वगैरह गिर रहे हैं भाई, ये जगह है या क्या है? मैं खूंखार जगह पर आत में नहीं जाता कभी, लेकिन आ जाता हूँ गलती से। ट्रक्स वगैरह गिर रही है भाई, ये क्या होगा इसके साथ, देखते हैं। इसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है हम कर लेते हैं। ओ भाई साहब, हमने भाई कहाँ जा रही है। वैसे हमारी गाड़ी तो यहाँ पर बच गई, लेकिन यार सच में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक यहाँ पर रूट है, और मेरे हिसाब से ये रूट पे आना कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क है बहुत ही ज़्यादा। एक कदम आपकी ट्रक या बस या कार को सीधा खाई में डाल देगा, फिर उधर से वापस आने का कोई चांस नहीं है यार, ये बात तो पक्की है। हम चल देते हैं अपने। ओके यहाँ पर वॉल्यूम सही है, और यहाँ पर एक बस स्टॉप है, वाव। पर हमारी तो बस नहीं है, तो हमारी ट्रक है यार, हम जाने देते हैं आगे और देखते हैं चीज़ें और क्या कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ओए होए 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 होए, क्या बात है, सही है, ज़्यादा ही तेज़ है ये ट्रक। ओके बच गए भैया, ये रुकती क्यों नहीं है यार। ओ भाई बच गया, इस बार तो पक्का बचा मैं।
यहाँ पर सारी चीज़ें सही है। सो ओवरऑल देखा जाए ये मोड बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक है, और अगर यार आप इस रिस्की रूट पे इंटीरियर से ड्राइव करें तो आपका मज़ा दुगना होने का चांस बहुत ज़्यादा है, सच बता रहा हूँ। मज़ा आ जाएगा जब आप ऐसे इंटीरियर से खेलेंगे तो। सो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक बस मोड है, और उसके साथ साथ ये ट्रैफिक मोड और ये मैप मोड भी बहुत ज़्यादा ऑसम है। आप डाउनलोड कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा होगा, वीडियो लिंक, जहाँ से आप जाके देख सकते हैं इन वीडियोस को जिसमें मैंने डिटेल में सारी बात का बताई है इन ट्रैफिक रूट और मैप मोड के बारे में। सो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।